तो माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे आप लोग, उम्मीद करती है अच्छी होगी, खैरियत से होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो हम रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब से रमज़ान शुरू हो शब बारात गई है तो सारा घर साफ सफाई में चला गया मेरा 15 दिन। और फिर अभी हम लोग ने सोचे चलो कुछ नया करते हैं ये साल। तो बस ये थोड़ा सामान था जो हम लोग ने कुछ ऑनलाइन मंगाया, कुछ दुबई से मैंने पिछली बार लेके आई थी तो रख दी थी मैंने, कुछ सजाया नहीं था। तो ये आनम ने थोड़ा सा सजाई, आज देख सकते आप लोग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन की थी आनम ने, बहुत अच्छा लग रहा था। तो पिछली बार मुझे सजाने मिला नहीं था क्योंकि टाइम हो चुका था और फिर दिल भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो रख दी थी सारा सामान। फिर मैंने ये टाइम सोचा कि चलो अभी ये सब कुछ करते हैं। तो रमज़ान को हम लोगों ने वेलकम किया, आप देख सकते हो ये सारे हम लोग ने लाइट्स लगाई, ये सारी चीज़ें आनम ने की है। मैं कर रही थी तो मुझे कहा कि नहीं मम्मी लाओ मैं कर देती हूँ, तो मैंने ठीक है, यहाँ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो आनम ने कहा कि नहीं मम्मी यहीं रखो, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आनम ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेकोरेशन की, इसकी लाइट की चांद, ये मून मैंने बनाई हूँ, और इसके पीछे दरवाज़ा है, और ये मेरा बेडरूम का जो पीछे जहाँ पे हम लोग बैठते हैं बेडरूम में, तो ये वहाँ का हिस्सा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लाइट्स लगाई, यहाँ पे ये मदीना शरीफ रखा हुआ है, 2 मदीना शरीफ था मेरे पास, मतलब मैंने लाई थी जब मैं 5 साल, मतलब बहुत साल पहले जब मैं गई थी 15 साल पहले उमरा को, तभी लाई थी मैंने। तो थोड़ा मैंने सोचा चलो वहाँ भी कर लेते हैं। फिर ये जब मैं लॉकडाउन से पहले जब उमरा करने गई थी, तो जब भी मैंने ये लेकर आई थी, तो अनम ने कहा कि मम्मी डाइनिंग टेबल भी सजाते हैं हम लोग रमज़ान का, तो ये सब अनम ने सजाई, लाइट बंद करके दिखा रही है आप लोगों को, तो देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर ये मैंने सारे जो कपड़ा उस पर बिछाई ये भी मैंने लेकर आई थी सऊदी से, तो ये सब सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो आज ये टाइम हम लोग ने थोड़ा सा सजा दिए रमज़ान का, तो रमज़ान का वेलकम के बहुत ही खुशी दिल से मैंने रमज़ान को वेलकम किया है, आप लोग भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सबके लिए दुआ ज़रूर करना, और दुआ करना कि अल्लाह सबके रमज़ान सबका रमज़ान अच्छा जाए, और सबकी खुशियाँ सबके घरों में आए, और सबके दुख परेशानी सारे दूर हो जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलो फिर हम लोग सब मिलके रमज़ान का वेलकम करते हैं और सबके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह सबके घरों में इसी तरह से खुशियां दे, रमज़ान की खैर और बरकत दे। तो मेरे साथ सब लोग दुआ करना, मैं भी दुआ करूंगी सबके लिए, और प्लीज़ रमज़ान में कोई किसी से झगड़ा ना करे, ना किसी को कुछ कोई गलत बोले, क्योंकि रमज़ान बहुत पाक महीना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को याद करना है, नमाज़ पढ़ना है, और हमें रोज़ा रखना है। तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर यही काम करेंगे। और कैसा लगा मेरे घर का डेकोरेशन आप लोग ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर और बताना कैसा लगा। और भी सारी वीडियोस आएगी, मैं आहिस्ते आहिस्ते लाऊंगी, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और दिल एकदम ये हो गया था कि नहीं डालूंगी करके, फिर अभी मैंने डालना शुरू किया। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट करना, और दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।